हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रायमस डॉल स्टोरीज। आज की वीडियो में है टूट फेरी, हम सब की फेवरेट चीज। और टूट फेरीज बहुत प्यारी होती है, तो फिर अब स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। स्टार्ट करते हैं। देखो ये अब तक सो रही है लड़की का, ये लड़की तो बहुत लेट उठती है सुबह में। बेल बेल बेटा, बेल उठ जा। बेल हमें नहीं उठना। बेल बहुत देर हो गई बेटा, 10 बज रहे हैं, तुम क्यों इतनी देर लेट तक सोती रहती हो? जल्दी से उठो। देखो मैंने सारा ब्रेकफास्ट बना लिया है, आपको ब्रेकफास्ट करना है, उठ के चलो जल्दी से उठ जाओ। ओके। ओ फ्लैशिंग लाइट, क्या हो रहा है आज? लाइट को कुछ नहीं, लाइट कभी कभी चली जाती है। चलिए चलो आप उठ जाओ। और बेल ये गलत बात है, इतनी देर तक सोती रहती। कुल्ली करके आते हैं। ये क्या बात हुई? कुल्ली करके आते हैं। ब्रश करके आओ। नहीं कुल्ली करेंगे हम। ब्रश करना। ओके। बेल भी ना ये बहुत ज्यादा परेशान करने लगी है मुझे, कब से मैं इसका ब्रेकफास्ट पे वेट कर रही हूँ, अब तक नहीं आई ये ब्रश करने के लिए या नहाने। मैंने कब से ब्रेकफास्ट बना के तैयार करा हुआ, तक नहीं आई। मम्मा आ गए, आओ जल्दी बैठो मेरे साथ, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। ये मम्मा आपने तो हमारी फेवरेट चीज बनाई है। और हमने इतना ड्रामा क्यों कर रही हो तुम? आप इतना डांटती क्यों हैं हर टाइम? मैं डांटती हूँ बेटा आपको? मैं तो आपको सिर्फ मैनर्स सिखाती हूँ। आप एवरी मॉर्निंग यही बोलती है इस कम। तो फिर क्या मैं तुम्हें बदतमीज होने दूँ? चुपचाप से बैठ के ब्रेकफास्ट करो अच्छे से। यम्मी, दिस यम्मी फ्रूट। मम्मा आप ही ले लीजिए कुछ। नहीं बेटा मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब आप ही करो। मम्मा अरे क्या हो गया, क्या हुआ बेल, क्यों रो रही हो बेटा? देखिए हमारा टीथ टूट गया। अरे वाह, तो क्या हुआ, टीथ टूट गया तो अच्छी बात है, टीथ टूट गया था। नहीं बात करनी मत, हमें बहुत दर्द हो रहा है। पर दिस तुम्हें इतनी देर से क्यों रो जा रही हो? बेल तुम भी कितनी फनी हो ना, कौन मजाक उड़ाएगा तुम्हारा? कोई मजाक नहीं उड़ता। और टीथ तो और दांत जो है ना सब बच्चों के टूटते हैं, तुम कोई अलग नहीं हो दुनिया से कि तुम्हारे दांत टूट गए तो तुम्हारे सब मजाक उड़ाएंगे। जब मैं छोटी थी तो मेरे भी दांत टूटे थे, मेरा तो किसी ने मजाक नहीं उड़ाया। मम्मी मम्मी आपको नहीं पता, मेरा टीथ जब टूटता है मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। अरे बेटा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा तुम्हारा, पता है तुम टीथ टूट के और भी ज्यादा क्यूट लग रही हो, तुम्हें तो सब ये बोलेंगे कि तुम कितनी क्यूट लग रही हो। कोई मजाक नहीं उड़ाएगा बेटा, बस अब तुम चुप हो जाओ। नहीं मम्मी आपको नहीं पता मेरे फ्रेंड्स कितने मजाक उड़ाते स्कूल में। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, पता है मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ बेल, मैं तुम्हें एक स्टोरी बताती हूँ। पता है जब बच्चों का दांत टूटता है तो अगर वो बच्चे अपने दांत को रात में अपने पिलो के नीचे रख के सोते हैं ना, तो फिर रात को टूथ फेरी आती है। सच में मम्मा आप सच बोल रही हैं? क्या सच में टूथ फेरी आती है? फेरी तो रियल लाइफ में नहीं होती। नहीं बेल तुम्हें नहीं पता, सच में होता है ये, जब किसी बच्चे का टीथ टूटता है तो उसे बच्चे को टूथ फेरी आकर पैसे देके जाती है, उसके पिलो के नीचे रात में पैसे रखती है। सच में? अब तुम पता है क्या करोगी, अपने टीथ को अच्छे से ब्रश करके और रात को अपने पिलो के नीचे रख के सोना, फिर देखना रात में कितनी अच्छी टूथ फेरी आएगी तुम्हारे पास और तुम्हें अच्छा सा गिफ्ट देकर जाएगी। सच में ये? हाँ अब तुम जाओ उसको अपने टीथ को अच्छे से साफ करके रखना, ओके, ताकि टूथ फेरी रात को आके देखे और तुम्हारा टीथ उसको साफ दिखे, बिल्कुल क्लीन रखना उसे। ओके मम्मी। चलो अब तुम जाओ और अपने टीथ को ब्रश करो अच्छे से और अपने और बाकी के टीथ भी ब्रश करना। मैं जाती हूँ कुछ खाना बना लेती हूँ। ओके मम्मी। ओके डू। ये आज टूटू फेरी आएगी। ये मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मैं जल्दी से अपने टीथ को ब्रश करने जाती हूँ। ये अपने टीथ को मैं जल्दी से साफ कर लेती हूँ, ब्रश 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 और अपने वाले। मम्मी मैं सोने जाऊँ?
अरे बेल, इतनी जल्दी तो नहीं सोती तुम कभी भी? आज इतनी जल्दी कैसे सो रही हो? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो टूट फेरे जल्दी से। ची, ची, ची। ओके बेटा, तुम जाओ और आराम से सो जाओ। बेल, ब्रश कर के आते हैं। जल्दी से ब्रश कर के आते हैं। आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? मुझे जल्दी सोना है। लाइट ऑफ करके देखते हैं। बस 5 मिनट और मैं नहीं सोऊंगी। अगर मैं सो गई तो फिर टूथ फेरी नहीं आएगी। पर मैं जागी रहूंगी। हाँ, जागी। बच्ची है जिसका टीथ टूटा है। ये बच्ची तो बहुत प्यारी लग रही है मुझे। ओ, ये कितनी क्यूट लग रही है, सोती हुई सो रही है। वाओ, ये बच्ची कितनी ज्यादा प्यारी है। देखो तो कैसे सो रही है, और इसके टीथ तो कितने ज्यादा साफ हैं। मैं इससे बहुत ज्यादा खुश हो गई हूँ। अब मैं इसको एक प्यारा सा गिफ्ट देकर जाऊंगी। मैं ऐसे बच्चों से बहुत खुश होती हूँ जो बच्चे अपने रात में ब्रश करके सोते हैं। मैं हूँ टूथ फेरी। ये लो क्यूट लिटिल स्वीटी, तुम्हारे लिए प्यारा सा गिफ्ट छोड़कर जा रही हूँ मैं, ताकि सुबह तुम जब सो के उठोगी तो तुम्हें ये गिफ्ट मिलेगा। तुम बहुत प्यारी हो। बाय स्वीटी, बाय। ओके बच्चों, तो मैं हूँ एक प्यारी सी टूथ फेरी। अगर जो बच्चे रात को अपने ब्रश करके सोएंगे, मैं उनके पास आऊंगी और उनको प्यारा सा गिफ्ट देकर जाऊंगी। तो मैं ही तो हूँ वो टूथ फेरी जो जिन बच्चों के पास आती हूँ जो सिर्फ अपने रात में ब्रश करते हैं और अपने टीथ को साफ रखते हैं। और जो बच्चे अपने टीथ गंदे रखते हैं, अपने दांत गंदे रखते हैं, मैं उनके पास बिल्कुल नहीं आती। वाओ, ये बच्ची कितनी ज्यादा प्यारी है। मैं इससे बहुत खुश हुई हूँ, इसीलिए मैंने इसको ये गिफ्ट दिया है, प्यारा सा गिफ्ट। मैं इसका यहाँ छोड़ कर जाती हूँ। जब ये सुबह उठेगी तो ये बहुत खुश हो जाएगी। अब मैं जाती हूँ स्वीटी, गुड नाइट। ओहो बेल, तुम अब तक सो रही हो बेटा? उठो, देखो कितना ज्यादा टाइम हो गया। क्या टूथ फेरी आई थी क्या? बेल जल्दी उठो। क्या क्या क्या, मैं सो गई थी, टूथ फेरी नहीं आई क्या? नहीं बेटा, टूथ फेरी आई थी। और ये देखो तुम्हारे लिए कितना प्यारा गिफ्ट छोड़ गई है। काय 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 काय, ये देखो ये रहा। मुझे तो लग रहा था टूथ फेरी नहीं आएगी। नहीं बेटा, मैंने तुमसे बोला था कि तुम बहुत प्यारी बच्ची हो। जो अच्छे बच्चे होते हैं उनके पास जरूर टूथ फेरी आती है। तुम अच्छी बच्ची हो ना, खुल के देखो क्या है इसमें। मम्मा मम्मा, पैसे मिल गए हमें। देखा, मैंने कहा था ना टूथ फेरी आएगी। तुम बगा मुगा परेशान हो रही थी, मेरा टीथ टूट गया, मेरा टीथ टूट गया। कितने पैसे है? हाँ बेटा, देखा मैंने कहा था अगर जो बच्चे अपने टीथ को साफ रखते हैं उन बच्चों के पास टूथ फेरी आती है। इसके हम चॉकलेट मंगवाएंगे। ये तुम जो चाहे करो, ये तुम्हारे पैसे हैं। हम अपनी सेविंग्स में रख देंगे। ये हमारा टीथ टूट गया। ये बेस्ट डे एवर। ये अब हम ब्रश करके आते हैं। कभी एक और टीथ टूट जाए। यस, ओके, अब हम अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मम्मी, मेरा एक और टीथ टूट गया। क्या सच में? बेल, अब तुम्हें एक और गिफ्ट मिलेगा। ये अब हम इसे धोके आते हैं। अगर आपको ओके गाइस, अगर आपको इस वीडियो ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर इसे लाइक करिए, शेयर करिए और बाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और सबसे जरूरी, अपने दांत क्लीन रखिएगा। बाय बाय। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अपने टीथ ब्रश करके रखिएगा। बाय। हमारे भाई का टीथ टूट गया था, फिर उन्होंने खो दिया। टूथ फेरी नहीं, ये लाइफ में नहीं होती टूथ फेरी। अच्छी स्टोरी थी।